इस वक्त मैं बिरोल प्रखंड के उच्ची पंचायत में खड़ा हूं और विगत 24 तारीख से होने वाली काली पूजा को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। हालांकि उच्ची पंचायत में सफाई का काम पहले से जारी है। हमारे साथ मुखिया जी मौजूद है उच्ची पंचायत के और यहां के विधायक के जो है प्रतिनिधि मौजूद है। हालांकि इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल पंचायत में जो काम चल रहा है खास करके काली पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारी है उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम अहाँके मीडिया भाई के धन्यवाद दै छी जे काली पूजा में अहाँ सब स्थान पर पहुँचलहुँ। एक हार्दिक अहाँ सबके अभिनंदन करै छी और काली पूजा लगभग 3 साल से उजटी पंचायत में भए रहल है। अच्छा, इस बार जो सफाई चल रहा है, हालांकि पिछले साल कोरोना का समय था उस समय भी काली पूजा मनाई गई थी, लेकिन इस बार सबसे अलग होगा, धूमधाम से मनाया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? पौर साल से बहुत बढ़िया आईबेर कार्यक्रम और भगवती की पूजा बहुत धूमधाम से भए रहा है। मुखिया ओहि में साथ पूरा समय दे रहा छथि और हमरा सबके जते समाज ये सब ओहि में पूरा ओहि में समय दे रहा छथि। हम सब प्रक्रिया में लागल छी, पूजा हमरा सबके कनहु भगवती कृपा सफल करथि। अच्छा, काली पूजा के लेकर पूरे गांव की सफाई होगी या आसपास के जो क्षेत्र है सिर्फ वही सफाई होगी? नहीं, जतः काली पूजा भए रहा छथिन वो मेन रोड से काली पूजा स्थान होत, फिर मेन रोड दू रूट छे एठुन स्थान, ओना ग्रामीण गाँव में सफाई भए रहा छे, लेकिन ये एठुन अखन अहाँ देख अहाँ से देखते हेबे से 10-15 गो लेबर 20 गो खटि रहा छे और सफाई कर्मी छे वो खटि रहा छे और समाजो ओहि में योगदान दे रहा छे। गाँवों का जे काम छे गाँवों बहुत बढ़िया से गाँवों में सफाई भए रहा छे, लेकिन काली पूजा के स्थान में बहुत बढ़िया सफैया काम चल रहा है। चलिए, काली पूजा के इस त्यौहारों के लिए जो सफाई है वो तेज कर दिया गया है। हालांकि मुखिया जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। मुखिया जी क्या कहेंगे, काली पूजा और दीपावली जो है छठ पूजा भी आ रहा है, सब एक साथ है इस बार, तो क्या कहेंगे काली पूजा के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो आपको चैनल को और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से, साथ में साथ उष्टि ग्रामवासी को मैं तहे दिल से नमस्कार प्रणाम और धन्यवाद देते हैं। और काली पूजा कल दीपावली है, कल से यहाँ स्टार्ट उष्टी पंचायत के साथ में वार्ड में ये मंदिर है माता काली का, और हर साल की भांति इस साल काली पूजा में एक्स्ट्रा प्रोग्राम करके जनता को जो विश्वास और प्रोग्राम होता है वो रखा गया है संध्या भजन के लिए। और हमारे तरफ से पंचायत की तरफ से यहाँ पर सफाई कर्मी जो हमने बहाली किए हैं उनके द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और माननीय अभी जो कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जो विधायक अमन भूषण हजारी जी हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि जी हैं और हम लोग मौजूद हैं, गणमान्य व्यक्ति भी हैं, और हम लोग मिल के काली पूजा के जहां तक हो सफल बनाने काम करेंगे। चलिए, पूरे गांव के जनता एक साथ जुटे हैं, हालांकि इधर सफाई का जो कुछ कर्मी है वो सफाई भी कर रहे हैं, हम चाचा हैं उनसे थोड़ा बात कर लेंगे। अच्छा, खूब अच्छे ढंग से हो रहा है यहाँ सफाई अतिक्रम जो है से खूब अच्छे ढंग से बन रहा है और सब समाज का सहयोग है जो कि खूब अच्छे ढंग से काली पूजा का धूमधाम से मनाया जाए। अच्छा, उष्टी पंचायत में उष्टी गांव में कब से काली पूजा मनाया जा रहा है? आज 3 साल से करीब करीब मनाया जा रहा है। 3 साल से मनाया जा रहा है। देखिए, कुछ सफाई कर्मी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम जाद। अच्छा, आप सफाई कर रहे हैं? हाँ जी। आपका इसी पंचायत में नियुक्त? हाँ, इसी पंचायत। अभी काली स्थान पर आपका सफाई चल रहा है? सफाई चल रहा है, यही काली पूजा का सबटा ये कचरा जितना भी है सब कोदार से छिलवा रहे हैं, सब हटा रहे हैं। हटा रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार उसी पंचायत में पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी? खूब धूमधाम से होना चाहिए सर, है ना? चलिए, बड़ा उत्साह है लोगों में, बड़ा खुशी है। और हालांकि कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? मदन झा। अच्छा, क्या कहेंगे काली पूजा की सफाई को लेकर? सफाई तो बहुत अच्छा चल रहा है जी, और हम लोग उसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं, जो अच्छा से अच्छा काम सफाई हो और अच्छा से अच्छा काली पूजा जो है सो हम लोगों को बीच अच्छा से अच्छा काम हो और शांतिपूर्वक काम करके हम लोग निकल जाए। अच्छा, चलिए, इधर कुछ सफाई कर्मी हैं आपसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? पुनीत कुमार। अच्छा पुनीत जी, सफाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है पंचायत में? बहुत अच्छी। अच्छा लग रहा है? अच्छा, काली पूजा के लेकर सफाई चल रही है। चलिए, कुछ और सफाई कर्मी हैं उनसे भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? बबलू साहु। अच्छा, आप भी इसी पंचायत में नियुक्त है? तो आज सफाई चल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? अच्छा है सब कुछ, और की सब कहिए, मतलब बढ़िया ढंग से चल रहा है। चल रहा है। चलिए ठीक है, कुछ यूथ है, कुछ युवा है, उनसे भी बात कर लेते हैं।
सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार झा है जी। और मैं सबसे पहले अपने काली पूजा समिति के अध्यक्ष श्री शिवू झा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस कार्यक्रम के लिए सबसे आगे है और उनकी अध्यक्षता में हम पहली बार देख रहे हैं जो इतना अच्छा काम हो रहा है। वो बहुत आगे आए, वो मतलब प्रोग्राम भीड़ जुटाने के लिए वो मतलब भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन करें, इसलिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। चलिए, काली पूजा इस बार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा क्योंकि विगत 3 वर्षों से कोरोना काल को लेकर काली पूजा नहीं मनाई जा रही थी। हालांकि इस बार काली पूजा को लेकर तैयारी भी जोर शोर से है। ये सामने काली पूजा की मंदिर है और मुख्य मार्ग से ही सफाई का काम शुरू है और उष्टी गांव के जितने भी ग्रामवासी है उसमें काफ़ी उत्साह है। शिवू झा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष जी हैं, काली पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो सफाई अभियान चल रहा है, खास करके पूरे गाँव के लोग आपके साथ एक साथ खड़े हैं, पूरा गांव के साथ एकदम जितना आदमी ग्रामीण है सब एक साथ हैं, उसमें जितना हमारा कार्यकर्ता उजटी का जितना है वो भी साथ में है, मुखिया भी तन मन धन से लगे हुए हैं, सब कुछ के समर्थन यहां मिल रहा है। और फिर हम लोग को कहीं यहां से विधायक जी के नहीं कहे हैं, विधायक जी को हम बुलाएंगे, यहाँ पूजा में आवें और यहाँ हम लोग को साथ दें, हम लोग को अच्छा, जो देख रहे हैं दर्शक उनको क्या कहेंगे? दर्शक तो जितना है यहाँ जो देख रहे हैं, जो आपको व्यूअर देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे? उनको धन्यवाद देते हैं और उनका सहयोग मांगते हैं और इनको सबको जितना है उसमें हम लोग को मदद करते हैं। और उष्टी पंचायत के इस काली स्थान पर 24 तारीख से यहाँ पर पूजा का आयोजन होगा, हालांकि 4 दिवसीय पूजा होगा, 5 दिवसीय होगा, 5 दिवसीय पूजा, 24, 25, 26, 27, 28 4 दिवसीय पूजा का आयोजन होने वाला है जो 24 तारीख से शुरू होगा और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। चलिए, अगले खबर लेकर फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।